मध्य प्रदेश विधानसभा में शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का आखिरी बजट बुधवार को पेश हुआ। बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी बजट को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। सपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने कहा कि जो बजट आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया है वो जनता विरोधी बजट है, सपा उसका विरोध करती है। आज जो माननीय वित्त मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन ने विधानसभा में बजट घोषित किया है, समाजवादी पार्टी उस बजट का घोर विरोध करती है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो जनता विरोधी बजट है और उसमें जो किसानों के ब्याज के लिए कहा गया है कि मैं किसानों का ब्याज माफ़ करूंगा, आज मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले ले करके और जनता के ऊपर इतना बोझ लाद रही है और इसके बावजूद सरकार कहती कि मैं केवल किसानों का ब्याज माफ़ करूंगा। समाजवादी पार्टी मांग करती है किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, उनके जो भी कर्जे हैं वो माफ़ किए जाएं। आज चाहे किसी भी देश में देखा जाए किसानों को अलग से पैकेज दिए जाते हैं और कनाडा की, अमेरिका की, इंग्लैंड की सरकारें किसानों को पैकेज दे करके उनको कर्जे माफ़ करती हैं, उनके ऊपर कर्जे लाद नहीं देती हैं। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो महिलाओं के लिए ये घोषणा किया है कि हम 1,000 रुपये उनको महीना देंगे, लेकिन उनके गृहस्थी के सारे सामान महंगे कर दिए हैं। आज गैस में जो 50 रुपये महंगी कर दी गई है और अन्य सामग्रियों महंगी कर दी गई हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि उनको 1,000 रुपये दे के और उनसे 2,000 रुपये ले लेना है। इस प्रकार ये सरकार केवल दिखावा करती है और जनता को कमज़ोर करने का, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर करने का काम कर रही है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार वास्तव में जनहित के पक्ष में काम करे और कर्ज ले ले करके ये पैसा अनुपयोगी कार्यों में लगा रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव आइटम में जिसका कोई रिटर्न नहीं है और मध्य प्रदेश के ऊपर ये कर्जा लगता जा रहा है और मध्य प्रदेश की जो लगभग 8 करोड़ जनता है उनके ऊपर 60 से 70 हज़ार रुपये कर्ज होता जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं मानता हूँ कि कोई भी काम जनहित में नहीं है, सारे उनके काम जन विरोधी हैं। की अनुशंसा अनुरूप और प्रदेश अध्यक्ष जी की सहमति से जो मध्य प्रदेश में सरकार उखाड़ फेंकने का जो संकल्प सभी लोगों ने, मध्य प्रदेश के नेताओं ने आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो पारित किया था उसकी पहली शुरुआत है, ये चुनाव की शुरुआत है मध्य प्रदेश से। जो हम मध्य प्रदेश की राजधानी से विधानसभा गहराव से शुरू कर रहे हैं, ये बिगुल जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने यहाँ बजाया है ये बुगुल अब पूरे मध्य प्रदेश की गली गली चौराहे चौराहे सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐवान के साथ हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक जादूगर हैं, कभी देते हैं खुशी और कभी देते हैं गम। आज स्थिति ये है कि बजट पेश किया तो बजट में तालियां बजवा ली, इधर खुशी दे दी और उधर गैस पे 50 रुपये बढ़ा दिए, वो कमर्शियल पे 350 रुपये बढ़ा दिए और एक तरफ कहते हैं कि मुख्यमंत्री बहना योजना, इधर 1,000 रुपये देंगे तो 2,000 रुपये खून भी तो जनता ही का चूस रहा हो ना, इधर खून चूस रहा हो और उधर 1,000 रुपये की घोषणा कर रहा हो। ऐसे घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश के। हमें लगता है कि 2023 में इनका जाना, इनको लग रहा है कि अब इनकी का मध्य प्रदेश का जो जनाधार है वो खिसक चुका है, सरकार के हाथों से जनता की कमान निकल चुकी है। अब जनता खुद 2023 में ये तय करेगी कि जनता को खुशी देना है कि जनता को गम लेना है। ऐसा बजट जो जनता के गले नहीं उतर रहा, और मुख्यमंत्री जी तालियां बजा रहे हैं, किसान परेशान, बेरोज़गार परेशान, जनता के लिए बजट में ऐसी कौन सी घोषणा थी जिससे किसान खुश हो, जनता खुश हो या बेरोज़गार खुश हो? ना तो जनता को भत्ता दे रहे हैं, ना महंगाई पे कोई लगाम है, आटा 10 रुपये का हम 40 रुपये खरीद रहे हैं, उधर बजट में खुशी मनाई जा रही है 50 रुपये बढ़ा के। तो हम ऐसे बजट को नकारते हैं, हम ऐसे बजट की निंदा करते हैं। दूसरा, हमारा कल जो प्रदेशव्यापी आंदोलन